क्या होगा अगर फिनाइल हमारे आंखों में चला जाए या फिर इसे गलती से पी लिया जाए, तो क्या लोगों की मृत्यु हो जाएगी? क्या लोग वहीं पे पीते ही मर जाएंगे? तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिरकार फिनाइल होता क्या है। दोस्तों, फिनाइल जो कि आपके घरों में यूज होने वाला एक पदार्थ है, जो एक जहर के रूप में होता है, और इसके अंदर फिनोल नामक तत्व का यूज किया जाता है जो बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों, इसका उत्पादन करने के लिए बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित किया जाता है, तब उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे ही फिनोल कहा जाता है। अभी आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि फिनोल कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि फिनोल दो प्रकार के होते हैं, काला फिनोल और सफ़ेद फिनोल। तो हम जानेंगे काला फिनोल के बारे में। दोस्तों, काला फिनोल जो कि टॉयलेट में यूज होता है या फिर जहरीले सांपों को भगाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका ज़्यादातर उपयोग पशुओं के घावों को ठीक करने में किया जाता है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि जो काला फिनोल होता है इससे बड़े बड़े काम किए जाते हैं, अगर ये आँखों में चला जाए या फिर इसे सूंघ लिया जाए या फिर इसे पी लिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर यह आँखों में चला जाता है तो आँखों में जलन होगी, और अगर इसका 1 या 2% भी हमारे आँखों में चला जाता है तो हमारी आँख चली जाती है, यानी कि हम अंधेपन का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इसे सूंघ लेते हैं, अगर आप इसे पास से सूंघ लिया जाए तो हमारे नाकों में जलन होगी, हमारे फेफड़े में जलन होगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आने लगेंगे, और यही नहीं, अगर इसे ज़्यादा देर तक अगर सूंघ लिया जाए तो लोग मर भी सकते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि इसे पी लिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, पी लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि लोग मर जाएंगे। इसका सबसे मेन रीज़न यह है कि इसे पीते ही ये हमारे आँतों को काफ़ी गंभीर प्रभाव डालता है, क्योंकि आँतों को ये गला देता है, जिसकी वजह से ये फिनाइल हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो आप गलती से भी इसका ट्राई मत करना। और दोस्तों, वहीं जो कि सफ़ेद फिनोल जो हमारे घर को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि घरों को साफ करने के लिए, सख्त दाग कीटाणुओं को साफ करने के लिए सफ़ेद फिनोल का उपयोग किया जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में भी हमारे घरों में काम आया जाता है, जो कि 99% कीटाणुओं को साफ करता है। तो जाहिर सी बात है कि घरों को साफ करते वक्त सफ़ेद फिनोल हमारे नाक तक भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, इससे सामान्य लक्षण यह है कि हल्का हल्का नाक में जलन होना, सिर दर्द, चक्कर आना। हालांकि इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सफ़ेद फिनोल से मरने के चांस काफ़ी कम होते हैं। अगर इसे भी अगर पी लिया जाए तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद फिनोल कीटाणुओं को मार सकता है, तो आदमी को मारने में कितना देर लगेगा? और अगर सफ़ेद फिनोल आँख में चला जाए तो जाहिर सी बात है कि आँखों में जलन होगी और आंसू के जरिए जो जहर होता है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर यही सफ़ेद फिनोल आंखों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चली जाए तो लोगों को अंधेपन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे फिनोल से जुड़े कुछ जानकारियाँ। अगर आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इसी तरह की और भी रैंडमली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।